अपने बच्चों की हर जिद को एक मुस्कान के साथ पूरा कर देने वाले पिता को भगवान के समान माना जाता है, मगर वही पिता बच्चों की जान लेने को उतारू हो जाए तो क्या कहिएगा। दरअसल दरिंदगी की सारी हदें पार कर कातिल पिता की ये वारदात पड़ोसी मुल्क चीन की है, जहां करीब 2 महीने पहले चोंगकिंग के टावर ब्लॉक से 2 छोटे बच्चे गिरने की खबर सामने आई। वैसे तो गिरने वाले दोनों फूल से मासूम बच्चों को देखने भर से आपका दिल पसीज जाएगा, मगर 2 साल की झांग रुई शू और 1 साल के झांग यांग रुई को फेंकते हुए दरिंदे पिता के हाथ जरा भी नहीं कांपे। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने बताया कि रुईशू की मौत बिल्डिंग से गिरने से हो गई, वहीं यांगरुई की मौत कुछ समय बाद अस्पताल में पहुंचकर हुई। बता दें कि 27 साल का कातिल पिता एक तलाकशुदा है, जिसने गर्लफ्रेंड के कहने पर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। कातिल पिता गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उसके दोनों बच्चों को अपनाने से इनकार कर दिया था, जिसकी बात पिता ने उसका इलाज वारदात को अंजाम देकर निकाला। बहरहाल घटना के बाद 28 दिसंबर को कोर्ट ने झांग बू और उसकी गर्लफ्रेंड ये चेंग शेन को मौत की सजा सुनाई। फैसले पर बाद में चीन के अभिभावकों ने खुशी जताई।